माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे एक संसदीय क्षेत्र और गुजरात सहित पूरे ट्राइबल बेल्ट में नर्मदा में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया के लोग मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं। उन लोगों को यातायात के लिए सड़कों का अभाव है और उनके खेतों को पानी भी नहीं मिल पाता है सिंचाई हेतु। उनके बच्चे स्कूल के अभाव में शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इसका कारण यह है कि वन संबंधी जो कानून है उनके कारण सड़कों बन नहीं पाती है, स्कूल नहीं बन पाती है तथा सिंचाई के लिए चेक डैम या तो सिंचाई का कोई प्रोजेक्ट बन नहीं पाता। केंद्र सरकार का कहना है कि विकास संबंधी कार्यों में कोई देरी नहीं होती है, परंतु मेरे संसदीय क्षेत्र और पूरे ट्राइबल बेल्ट में आदिवासियों को मौलिक सुविधाओं के लिए जो निर्माण कार्य होना है उन्हें अभी तक स्वीकृत नहीं मिली है। इन सब के कारण वनों में रहने वाले आदिवासी लोग शहर जैसी सुविधा से वंचित रहते हैं। हमारे क्षेत्र में भी वन भूमि के पट्टे कई आदिवासियों को अभी तक नहीं मिले हैं, तो मेरा सरकार से इस संबंध में आग्रह है कि आदिवासियों को तत्काल वन भूमि के पट्टे के अधिकार दिया जाए और सड़कों सहित मौलिक सुविधा तत्काल प्रदान की जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।